नमस्कार दोस्तों, माय टेक सपोर्ट में एक बार फिर से स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अपनी डिलीट हुई फाइल्स या वीडियोस या इमेजेस को वापस किस तरह से हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन से कर सकते हैं। तो हाँ जी, हम इस वीडियो में यही आज बात करने वाले हैं, अपनी सारी डिलीटेड फाइल्स, वीडियोस, कोई भी फाइल हो उसको हम रिकवर कर सकते हैं अपने फ़ोन में, वापस कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन से ही। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अलावा आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह से हम अपनी किसी भी डिलीट हुई फ़ाइल को वापस रिकवर कर सकते हैं। तो जिस तरह से फ्रेंड्स आपको कंप्यूटर में किसी भी चीज़ को रिकवर करने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह से हमें अपने फ़ोन में भी किसी फाइल को रिकवर करने के लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम एप्लीकेशन को बाद में डाउनलोड करेंगे, उससे पहले कुछ फाइल्स हम डिलीट कर देते हैं। तो चलिए फाइल मैनेजर में और कुछ फाइल्स डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ से ये फ़ोटोज़ हैं कुछ, मैं इन सबको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और फिर इनको रिकवर करेंगे। तो यहाँ से मैंने ये सारे फ़ोटो सेलेक्ट कर लिए और अब इनको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, फ़ोटो डिलीट हो चुके हैं। अब हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत है, तो चलते हैं प्ले स्टोर पे और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं डिस्क डिगर, क्योंकि डिस्क डिगर ही हमारी एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि हमारी डिलीट हुई फाइल्स को वापस ला सकती है। तो यहाँ से इस फाइल को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको यहाँ से केवल फ्री एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसके अलावा जो प्रो एप्लीकेशन है उसके तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ से आप उसको फ्री में डाउनलोड नहीं कर सकते। अगर आपको प्रो एप्लीकेशन फ्री में डाउनलोड करना तो आप नीचे लिंक में, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से उस एप्लीकेशन को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, मेरा तो फ़िलहाल प्रो एप्लीकेशन पहले से ही डाउनलोड है और इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो हम इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, डिस्क डिगर हमारा एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अब इसके बाद मैं आपको एक बात पहले बता देता हूँ, अगर हमें सारी चीज़ें अपनी रिकवर करनी हैं, जिसमें फाइल्स, वीडियोज़, फ़ोटोज़ और उसके अलावा बहुत सारी एप्लीकेशन जो भी कुछ है, वो सब कुछ रिकवर हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है, आपका फ़ोन रूट होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा फ़ोन रूट नहीं है, तो इसलिए मैं केवल यहाँ से फ़ोटोज़ ही रिकवर कर सकता हूँ, क्योंकि बिना रूट के हम केवल फ़ोटोज़ को रिकवर कर सकते हैं। उसके अलावा आपका फ़ोन रूट है तो आप सब कुछ रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं केवल जो बेसिक स्कैन है, नो रूट वाला, उसको स्कैन कर लेता हूँ और अपने फ़ोटोज़ को वापस ले लेता हूँ। फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हैं मेरे जो फ़ोटोज़ थे वो यहाँ पर वापस आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर ये केवल लार्ज फ़ोटो दिखाएगा। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं स्मॉल फ़ोटो भी, तो मिनी वाले जो फ़ोटो हैं हमारे, तो यहाँ से हम स्मॉल फ़ोटो भी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जितने भी हमारे फ़ोटोज़ थे वो यहाँ से सारे फ़ोटोज़ दिखा देगा जो भी हमने डिलीट किए थे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो भी मैंने डिलीट किया था वो सभी कुछ इसमें वापस आ गया है। तो अब जो भी फ़ोटो हमें रिकवर करना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे उस पर, और ऊपर जो रिकवर का ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कर दीजिए, फ़ोटोज़ आपके बिल्कुल वापस आ जाएंगे। तो यहाँ से हम इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद अब हम रिकवर पे क्लिक कर देंगे, हमारे सारे फ़ोटोज़ हमारी मेमोरी कार्ड में सेव हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और अपनी फ़ाइल्स को सेव कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे सारे फ़ोटो ही रिकवर हो चुके हैं, हमारे सारे डिलीट हुए हुए फ़ोटोज़ वापस आ चुके हैं। मैं एक बार आपको कन्फर्म करा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे फ़ोटोज़ आ चुके हैं, जबकि जो मैंने फ़ोटो काटे भी नहीं थे, इससे पहले काटे थे, वो भी फ़ोटोज़ वापस आ चुके हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से हम अपने फ़ोटोज़ को वापस कर सकते हैं नो रूट वाले फ़ोन में। अगर आपका फ़ोन रूटेड है तो आप सब कुछ रिकवर कर सकते हैं, उसमें इंक्लूड होगा वीडियोज़, पिक्चर्स, एप्लीकेशन और भी कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो सारे स्कैन हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपका फ़ोन रूट होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। इसके अलावा आप नई नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब बटन के बराबर में ही एक घंटी का ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, तो आपके पास हमारे ईमेल के द्वारा भी जो भी हम नया वीडियो डालेंगे आपको तुरंत बता दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।